साल था 430 BC, द फर्स्ट फाइट बैक ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जी, अभी जो कोरोना चारों तरफ तबाही फैला रहा है, अभी सर सबसे पहले कब हुआ था, कभी सोचा आप लोगों ने? ये हुआ था द ग्रेट प्लाग ऑफ एथेंस, 430 BC। हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज कभी भी पैंडेमिक जब भी आया है हमेशा तीन फेज लेके आया है। चाहे हमारे पास कितने भी वेपन्स हो उसे लड़ने के लिए, इट ऑलवेज केम इन थ्री फेजेस। द कोरोना विच इज़ गोइंग राइट नाउ, इट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ दिस कोविड, एंड अर्लियर ऑल्सो इट वॉज थ्री फेजेस। सो वाई वी शुड नो दिस, बिकॉज ये जानने से हमें पता चल रहा है कि हमें पॉजिटिविटी कितना रखना है अंदर से, खुद का फाइट बैक के लिए। लास्ट ईयर इट वॉज द राइज, फिर आया, अभी पीक है, एक और आएगा, दैट विल बी द डाउनफॉल। और उस टाइम तक आप मान के चलो हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे इसमें। सो वी जस्ट नीड टू यूनाइट टू फाइट। नाउ द प्लेग ऑफ एथेंस, ये आया था 430 BC में, आपका सेकेंड फेज उसका आया था सेकेंड वेव 425 BC में, और द लास्ट फेज वॉज इन 420, अराउंड 421 BC। हुआ क्या था उसमें? वो इतना खतरनाक था उस टाइम के हिसाब से, इतना ज़्यादा खतरनाक था कि लोगों का बिलीव ख़त्म हो गया था, इंसानियत से बिलीव ख़त्म हो गया था, सोशल लाइफ से बिलीव ख़त्म हो गया था, भगवान से बिलीव ख़त्म हो गया था उस टाइम के, जो भी उनके गॉड्स थे, वॉट एवर इट वॉज। लोगों ने अपने पैसे ऐसे ही दूसरे को देना स्टार्ट कर दिया, अपने प्रॉपर्टी देना स्टार्ट कर दिया। वाई? बिकॉज उन्हें लगा कि अब जीना तो है ही नहीं, क्या करेंगे लेके। सो सडनली द पुअर बिकम रिच एंड द रिच बिकेम पुअर, एंड दे वेर नॉट कंसर्न अबाउट इट ऑल्सो, बिकॉज दे न्यू दे आर नॉट गोइंग टू बी अलाइव। व्हाट वॉज द इफेक्ट? इफेक्ट ऐसा था कि कहीं पे भी कोई बॉडी जल रहा है, लोग किसी पायर पे लेके आते थे बॉडी को, ऐसे ही फेंक के चले जाते थे, जल रहा है उसके ऊपर से, फिर हजारों हजार ऐसे ही बॉडीज ला के डाल दिया, जले जा रहा है, जले जा रहा है, जले जा रहा है। द कंडीशन वॉज लाइक दैट। क्यों? जबकि वो जो प्लाग था वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के कारण था। द बैक्टीरिया नेम वॉज यर्सीनिया पेस्टिस। अभी अपना ये जो कोविड है, इट इज़ अ वायरस, एंड वायरस इज़ मच मोर डेडलियर देन बैक्टीरिया। वायरस को काबू में लाना ज़्यादा मुश्किल है बैक्टीरिया के हिसाब में। सो लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला चीज़ ये हुआ था आपका पेलोपोनेसियन वॉर के टाइम में, जो वॉर चल रहा था आपका एथेंस में, ग्रीस में और स्पार्टा में, स्पार्टन्स। उस टाइम पे ये आया आपका एथेंस में वाया अ पोर्ट, द नेम वॉज पिरोयस, पिरोयस या, एंड इट ऑलमोस्ट किल 25% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। इट वॉज हाईली 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 कंटेजियस एट दैट टाइम, बिकॉज मेडिकल साइंस वॉज नॉट अप टू दैट लेवल वेयर वी आर राइट नाउ। सोचो ना, आज से 2000 साल तो ऐसे ही हो गया, उससे भी पहले, तो समझ जाओ कि कितना था। एक उनके राजा थे एथेंस के, दैट इज पेरिकल्स। वो राजा का डेथ हो गया बिकॉज ऑफ दिस प्लाग ऑफ एथेंस, एंड इससे पूरा शैटर हो गया, टूट गया पूरा जो एथेंस था। उन्हें जो फाइट करना था स्पार्टन से, दे लॉस्ट द वॉर ऑल्सो, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न। लोगों में डर खत्म हो गया। किस चीज़ का डर? लॉ का डर। उन्हें लग रहा था कि क्या फायदा है ऐसा लॉ को फॉलो करके, ऑलरेडी द तलवार उनके गर्दन पर लटक रही थी ना। सो दे थॉट देर इज नथिंग मच इन इट, जस्ट लीव इट, वॉट एवर हैपन्स वी विल सी। सो दिस वॉज द सिचुएशन एट दैट टाइम, बट द पॉजिटिव थिंग फ्रॉम इट वॉज दे फॉट बैक। उसमें भी बहुत लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, एंड दे थॉट कि उन्हें पता था कि आज नकल ख़त्म होगा, और वो हुआ ही,
बस यही चीज़ हमें आज चाहिए, हम सबको आपको एक साथ मिलके इससे लड़ना है। कितना भी कुछ हो जाए, तैयार रहिए मेंटली, स्पेशली उन लोगों को जो अकेले हैं कहीं पे, बी स्ट्रांग, बी मेंटली स्ट्रांग। जय हिंद।